जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मीटिंग में लेके आया। इससे ये मीटिंग में आने से पहले मैंने सोचा था कि जब ये मीटिंग में जाएंगे परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा। और कुछ बहनों के लिए परमेश्वर ने मेरे मन में बोझ डाला कि मैं उनको लेके जाऊं वहाँ परमेश्वर उनके जीवन में। और सच में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। हमारे बीच में एक बहन है सलीता बहन, वो बहन के जीवन में इतना डरती थी ना, परमेश्वर दर्शन नहीं दिखाता था कि मैं बता नहीं पाती थी। जब मैंने उनको लेके आया तो प्रभु ने आज सुबह जब हम प्रेयर में गए थे तो उस समय बहन ने सिस्टर को पहले से उसी कपड़े में प्रचार करते हुए देखा और उसने उनके हाथ अपने हाथ को बहन के सर पे रखा और बहन को आत्मा में वो महसूस हुआ कि उनने उनके लिए प्रार्थना की। और अभी इस समय वो अन्य भाषा से भर गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और कुछ विषय को बहनों के जीवन में अद्भुत अद्भुत दवाई है। वो बहन सिस्टर रोशनी है जो आने से पहले मेरे को कुछ बातों कैसे शेयर किया, दीदी अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा इच्छा नहीं हो रहा है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। मैंने बोली तू चल, बड़ी योजना है परमेश्वर की। बहन को परमेश्वर ने अन्य भाषा से आनंद की भरपूरी से भरा, इसलिए प्रभु का हृदय की गहराइयों से। और जब प्रभु ने इनके जीवन में मेरे जीवन में इतने अद्भुत काम किया, मेरे हस्बैंड के जीवन में भी प्रभु ने एक बड़ी गवाही को दिया। इस समय दर्शन के द्वारा प्रभु ने अलग अलग देशों को दिखाया, सिस्टर ने इनके ऊपर प्रार्थना की, तो ये हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य सभा रही। इसलिए हम बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बैतूल जिले के लिए एक आशीष का कारण जितने लोग आए, परमेश्वर ने सबके जीवन में चंगाई छुटकारा और आशीष किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम सब छत्तीसगढ़ से हैं और हम छत्तीसगढ़ से नागपुर मीटिंग अटेंड करने हैं। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें बहुतायत से इस्तेमाल किया। हम इतना सोच के नहीं आए थे। जब हम आए तो हमें तो लग रहा था हम फर्स्ट बैठेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि हमें काफ़ी पीछे बैठना पड़ा। उसके बाद भी खुदा ने हमें ऐसा इस्तेमाल किया, हम फर्स्ट जाके चेयरों पे बैठे और हमने डस्टबिनियाँ ली। खुदा ने हमें इस्तेमाल किया अपनी सेवा करने के लिए, हमें इस्तेमाल किया, हमने काम किया और हमें बहुत 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 अच्छा लगा। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने परमेश्वर ने हमें यहाँ लेकर आए और इस मीटिंग में हमें सेवा करने का मौका दिया। हमें तो हमेशा मतलब हम जब भी मम्मा के चर्च में जाते हैं, क्योंकि हम मम्मा से बहुत टाइम से ही कनेक्ट हैं, हम चर्च के पार्टनर्स भी हैं, और जब भी मैं चर्च जाती हूँ तो मैं सबको सेवा करते हुए देखती हूँ। मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी वहीं पर सेटल हो जाऊँ और वैसे ही काम करूँ। और जब भी बाहर मीटिंग होती थी तो मेरे को लगता था कि ये बच्चे कितने मस्त ब्लेस्ड हैं कि वो बाहर जाके सेवा कर रहे हैं, तो काश मैं वहाँ रहती तो मैं वहाँ पे सेवा कर पाती। तो लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, जब भिलाई में मीटिंग हुई तब भी मुझे सेवा करने का मौका मिला और जब नागपुर में हुई तब भी सेवा करने का मौका मिला, और सबको यही लग रहा था कि मैं KMM टीम से ही हूँ। और मेरे को इतना खुशी हुआ कि प्रभु ने मेरी ये इच्छा को पूरी की और ये अनुग्रह दिया कि हम यहाँ पर सेवा कर सकें। हम परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर इतने अद्भुत काम हुए, इतने लोग बता रहे थे कि उन्होंने देखा कि फ़र्स्ट टाइम इतने मिरेकल्स नागपुर में देखे, मतलब बहुत अद्भुत मीटिंग थी जो लोगों ने फर्स्ट टाइम देखी। तो मम्मा का भी थैंक्स करते हैं कि वो यहाँ पे आए। मैं पहली बार नागपुर आई हूँ और मीटिंग इतनी बड़ी मीटिंग हुई है मम्मा की, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 3 दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, मतलब अद्भुत काम हुए हैं यहाँ पे। और मुझे पहली बार टेस्टिमनीज का मतलब लिखने का, मतलब मुझे सेवा करने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, आनंद हुई मैं बहुत। और मैं चाहती हूँ और आगे बढ़ूँ, मामा की मिनिस्ट्री में जाऊं और वहां पे अपनी सेवा दूं और आगे बढ़ के मतलब प्रभु के काम करूं। पहले मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं इधर मीटिंग में आऊं। और मैंने 3 दिन की इस मीटिंग में मैंने बहुत सेवा की और परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। जो भी बीमार लोग थे उनकी मैंने सेवा की और मैंने देखा उनको सामने से चंगा होते हुए, तो मैं उसके परमेश्वर को भी धन्यवाद करता हूँ और KMM टीम का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि वो सेवा करने के लिए। और मैं 3 दिन की मीटिंग में बहुत सारे चमत्कार देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी जिससे मेरा विश्वास और बढ़ गया है और मैं और सेवा करना चाहता हूँ प्रभु की। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद।